नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 NCERT बुक का बहुपद की प्रश्नावली 2.5 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2.5 में लिखा है, पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सारी सर्वसमिका का प्रयोग करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, पहले प्रश्न का पहला भाग इसमें है यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 10, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या सर्वसमिका लगेगी, इसमें लगाएंगे देखिए यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी बराबर, देखिए ये फॉर्मूला होता है यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक ना, ये सूत्र होता है या सर्वसमिका कहिए। तो देखिए इसमें क्या लगा, देखिए ये शुरू के इन दोनों कोष्टकों में पहला पद देखिए सेम है, ठीक ना, तो इसको यक्स मानते हैं। ये देखिए दोनों अलग अलग है तो इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक ना। तो हमको फॉर्मूले में केवल यक्स ए बी ही हमको पता करना था, तो हमने पता कर लिया यक्स यक्स ही है, ए 4 है और बी का मान 10 है, तो हम इसमें फॉर्मूले में मान रख देंगे तो अपना आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए रखते हैं इसमें, तो देखिए पहले यक्स स्क्वायर है तो यक्स है तो यक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस ए प्लस बी 4 प्लस 10 और यक्स तो यक्स ही है प्लस ए गुणे बी है वो, तो 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 लिख लिया तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 एक्स प्लस 10 चौके ये 40 हो गया। तो ये आंसर हो गया। देखिए इसी प्रकार दूसरा भाग देखते हैं, दूसरे भाग में क्या लिखा है, लिखा है यक्स प्लस 8 और यक्स माइनस 10 लिखा हुआ है। तो देखिए सर्वसमिका वही लगाएंगे हम लोग, बस जहाँ ए का मान प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, बी का मान माइनस में है, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए सर्व जहाँ जहाँ जो सर्वसमिका लगाते हैं उसको हम लोग लिखते भी हैं, तो यक्स प्लस ए बरा और यक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे देखिए इसमें यक्स हमको क्या है, यक्स तो एक्स ही है, ए का मान 8 है, बी का मान माइनस 10 है, ठीक ना। तो अब रखते हैं इसमें, देखिए यक्स का मान यक्स ही है प्लस ए प्लस बी मतलब 8 माइनस 10 और यक्स है तो यक्स ही है प्लस ए बी 8 गुणे माइनस 10, 8 गुणे ये माइनस 10 लिख लिया, ठीक ना, बी का मान माइनस 10 में था, तो लिखेंगे इसको यक्स स्क्वायर 8 में 10 जाएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस 2x हो गया, ठीक ना, ये रहा x और 10 8 80 और एक माइनस में, ठीक ना। तो ये तीसरा भाग भी हो गया, सॉरी दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग देखते हैं, तीसरे भाग में क्या लिखा है, यक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3/2 और अगले कोष्टक में है यक्स स्क्वायर माइनस 3/2। तो इसमें देखिए क्या सूत्र लगाते हैं, देखिए दोनों कोष्टक में अगर ध्यान से देखें तो दोनों कोष्टक में चीज़ वही लिखी हुई है। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, इसमें 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, मतलब सेम चीज़ लिखा है, बस यहाँ प्लस में है वहाँ एक माइनस में है, ठीक ना। तो इसके लिए सर्वसमिका आती है, देखिए यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई, ठीक ना। देखिए दोनों कोष्टक में सेम लिखा है, एक माइनस में है और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसकी क्या होता है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक ना। तो हमको ये देखिए ये पूरा ये एक्स है और ये पूरा ये वाई लिखा हुआ है,
ठीक ना। तो हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना है, बस लिख देते हैं यहाँ पर, x का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर लिखना है हमको, ये रहा y का स्क्वायर माइनस y कितना है 3/2 का ये वर्ग हो गया, ठीक ना। तो ये y का देखिए दो घात, दो दो चार हो जाएगा, तो लिखेंगे y के घात ये चार माइनस 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग ये चार, तो इस प्रकार ये उत्तर आ गया, ठीक ना। तो एक और भाग, एक अंतिम भाग बचा है, उसको भी देख लेते हैं यहीं पर, पांचवा भाग देखते हैं। पांचवा इसमें लिखा है 3 - 2x 3 + 2x। देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, एक ही सब समीका है, देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, बस एक जो है प्लस है और एक जो है माइनस है, तो ये वाला ही सूत्र लगेगा। यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं देखिए सर्व समीका से, सर्व समीका से, या सिंपल सर्व समीका ही लिख देते हैं, यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे देखिए ये रहा यक्स और ये है ये पूरा वाई है, तो लिखेंगे x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 2 दुनी ये 4 हो गया, x का x स्क्वायर हो गया। तो ये हो गए प्रश्न नंबर एक के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो में लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लिखते हैं प्रश्न नंबर दो, इसमें पहला भाग लिखा है 103 × 107, ठीक ना। तो देखिए इसको ऐसे सीधे गुणा नहीं कर देना है कि इसको ऐसे कर देंगे 107 × 103 जो भी आंसर आएगा, तो हमको इस तरह का नहीं करना है, इसमें हमको उपयुक्त सर्वसमिका लगानी है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, ठीक ना, और यहाँ लिख सकते हैं 100 + 7, ये इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये सर्वसमिका लगाएं यहाँ पर, देखिए सेम पहला पद सेम आया है, तो ये x हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी, ठीक ना। ये पहले प्रश्न में भी लगाया है, तो इसमें देखिए देखिए सेम चीज़ है, दोनों कोष्टक में पहला पद सेम है, तो इसको हम यक्स मान लिया और इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया। तो अब जहाँ भी यक्स है वहाँ 100 रखेंगे, जहाँ ए है वहाँ 3 और वहाँ जहाँ बी है वहाँ 7 रख लेते हैं। तो यहाँ लगाएंगे x के घात, ये मतलब ये लगा लिया 100 / 2 लगा लिया, और a प्लस बी, ए रहा a प्लस बी, बी का मान 7 है और x का मान यहाँ x नहीं है, यहाँ यहाँ 100 है, यहाँ 100 लिखेंगे प्लस a गुणे बी मतलब 3 × ये 7 हो गया। 100 का वर्ग करेंगे तो 2 × 0 = 4 हो जाता है, 1, 2, 3, 4 प्लस 7 × 10 × 100 + 7 = 21, 1, 2, 3, 4 + 1, 2, 3 गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इनको अब जोड़ना है, इनको सिंपल ऐसे जोड़िए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 और ये ऐसे 1, 2, 0, 1, 1 हो गया 11021, ठीक ना। तो ये सिंपल ये आंसर इस प्रकार आ गया। अगला भाग देखते हैं इसका, सेकंड भाग। सेकंड में लिखा है 95 × 96, तो लिख सकते हैं 95 × 96। तो देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 90 + 5 और 90 + 6, तब भी सही है, इसमें 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं
यहाँ लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, ठीक ना। 100 में 5 गया तो 95 आ जाएगा, 100 में 4 गया तो 96 आ जाएगा। तो हमको ये वाला सूत्र इस पर भी लगा सकते हैं और ये वाला सूत्र इन पर भी लग जाएगा, ठीक ना। तो इस पर हम यही वाला लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक ना। तो अब देखिए हमको x क्या है, यहाँ यहाँ x 90 है, यहाँ a 5 अब b 6 है, तो रख लेते हैं यहाँ पर। तो 90 का स्क्वायर पहले a प्लस बी 5 प्लस 6 और x कितना है 90 है, प्लस a गुणे बी मतलब 5 गुणे 6। तो देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नवा 81, एक जीरो है दो जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे दो जीरो का चार जीरो हुआ था, एक जीरो का दो जीरो, 9 नवा 81, 6 5 11 गुणे 90 प्लस 6 पंचे 30, 81 00 प्लस ये हो गया 990 प्लस 30। अब इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं 8100 990 और 30, ठीक ना। 9 3 12 हासिल 1, 9 10 11 8 1 9 ये हो गया 91 20 हो गया, ठीक ना। और इसमें एक एक और दिया हुआ है, इसको भी यहीं पे कर लेंगे। लिखा है इसमें 104 गुणे 96 थर्ड, 104 गुणे 96 है ना। तो 104 गुणे 96 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ठीक ना। 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, 100 में 4 घटाएंगे तो 96। अब देखिए इसमें क्या सूत्र लग जाएगा, देखिए दोनों कोष्टक में सेम चीज़ लिखा हुआ है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसके लिए हम लगा लेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार जोड़ कर एक बार लिख लेंगे, ये रहा x, ये रहा y, तो लिखते हैं यहाँ पर देखिए 100 का वर्ग कर लेंगे, y का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कर लेंगे, दो जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा और 4 का वर्ग 16, इसको घटा लेंगे तो ये आ गया 9 9, अच्छा 16 है तो जाएगा 84 हो जाएगा, 9 9 8 4 6 6 4 10 8 9 1 10 10 ये 10, ठीक है 984 आ गया। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 2 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 में लिखा है उपर्युक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें पहला लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हम इसमें कौन सर्वसमिका लगाएंगे, देखिए इसमें लिखा है, इसमें हम ये लगाएंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई के घात 2, ये सूत्र लगाएंगे हम इसमें, ठीक ना। तो देखिए जैसे एक जैसे दिख रहा होगा, है ना, इसको हम बना लेंगे तो ये लिख देंगे हम, देखिए लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, है ना, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का y ही y स्क्वायर है, ठीक है y स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार हमको फॉर्मूले में x स्क्वायर और y स्क्वायर प्राप्त हो गया, ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
तो इसमें हमको बस ये एक्स स्क्वायर बना लिया, ये वाई स्क्वायर बना लिया, अब हमको टू एक्स वाई यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए दो गुणे एक्स का मान कितना आया हमको, थ्री एक्स है यहाँ पर, तो थ्री एक्स गुणे वाई का मान ये वाई ही है, ठीक ना। देखिए अगर इसको हम गुणा करें तो तीन दूनी छः एक्स वाई, देखिए छः एक्स वाई आ गया, मतलब इसी को हमने ब्रेक करके लिखा है, और ये हमको अगर यक्स ये रहा ये वाई है, ठीक ना। तो यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये रहा एक्स ये रहा वाई, ठीक ना। तो इसके ये बन गया, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला बन गया, तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर। तो इसमें यक्स क्या है, थ्री यक्स है, और वाई क्या है, ये वाई है का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसी को हम दो बार लिख सकते हैं, यक्स ये रहा, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका गुणनखंड हो गया। अब सेकेंड भाग में देखते हैं, लिखा है फोर एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन। इसका भी अब देखिए माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें सर्वसंख्या यही रहेगी, बस माइनस वाला लगेगा। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हमको एक्स माइनस वन का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। अगर ये मिल गया तो हम इसके स्थान पर इसको लिख देंगे। तो देखिए लिखते हैं इसको, देखिए एक्स स्क्वायर हमको इसको स्क्वायर बनाना है, तो लिख सकते हैं टू वाई का होल स्क्वायर, है ना, टू वाई का होल स्क्वायर, दो दूनी चार वाई का वाई स्क्वायर हो गया। ये वन स्क्वायर बना सकते हैं यहाँ पर, ये वन स्क्वायर, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही प्राप्त हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई चाहिए, माइनस टू, टू फॉर्मूले में ही होता है, एक्स का मान कितना है टू वाई है, और y का मान कितना है यहाँ पर 1 है। अब देखो इसको अगर इसको हम हल करें तो दो दूनी चार वाई है, ठीक ना, माइनस चार वाई आ गया। अब अगर ये हमको प्राप्त हो गया तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या है इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ x कितना है, ये पहला पद x है और दूसरा पद y है, टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, घात दो लगा है इसलिए इसको दो बार लिख लिया। तो ये प्रश्न दो भी हल हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं इसका, तीसरे भाग में क्या है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ये सौ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन सी सर्वसंख्या लगाएंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई, है ना, ये पहले भी लगाए हैं। तो इसको हम पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर के रूप में बदल लें, पहले इसको लिख सकते हैं हम x के घात दो, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं y बटे दस के स्क्वायर। देखिए y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमने इस रूप में बदल लिया इसको, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में दोनों को जोड़कर और एक कोष्टक में दोनों को घटा के लिखेंगे। तो एक बार जोड़ के लिख लेते हैं, यक्स प्लस वाई बटे दस, और एक बार यक्स माइनस वाई बटे दस, तो इसका ये गुणनखंड हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन हल हो गया। अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं, प्रश्न नंबर चार देखते हैं का पहला भाग लिखा है x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या सर्वसंख्या लगेगी उसको लिख लेते हैं। देखिए पहले दो पद का स्क्वायर था, अब देखिए एक दो तीन, तीन पद का स्क्वायर है, तो इसके लिए सूत्र लगता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ये सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड क्या है, देखिए ये पूरा पद ये एक्स है
ये वाई है और ये जेड है, ठीक ना। तो जहाँ जहाँ यक्स वाई जेड मिलेगा उसके संगत ये जो मान दिए हैं उसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ रखते हैं अब, देखिए यक्स स्क्वायर, तो पहले यक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर वाई है तो जगह 2y का होल स्क्वायर, और जेड है तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे XY, ये रहा x और ये रहा y, ठीक ना। और 2YZ, ये रहा YZ, या तो YZ यहाँ से देख लीजिए, तो ये रहा Y और ये रहा Z प्लस 2ZX, ये Z और ये X, Z और X। तेरा सूत्र लिख दिया, इस सूत्र पर पहले मान रख लिया, फिर अब इसको हल करते हैं। तो ये x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर लिख लिया, 2 दूनी 4, और y का y स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, z का z स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए तीन पद में पहले सबसे पहले अंकों का गुणा किया जाता है, तो ये क्या 2 दूनी ये 4 हो गया, x और y तो x y लिख लिया। फिर यहाँ पे जितने भी अंक हैं सबका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 वाई जेड, अब 4 दूनी 8 जेड एक्स। इस प्रकार इस प्रश्न का ये हल हो गया, ठीक ना। देखिए अब सेकेंड भाग देखते हैं, बस सीधे मान फॉर्मूले पर रखना है और इसको हल करके मान लिख देना है बस, ठीक ना। दूसरा भाग देखते हैं इसका, देखिए लिखा है 2X - Y + Z के घात 2। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं। देखिए ये लिखा 2X + ये -Y कोष्टक में लिख लिया प्लस जेड, ठीक ना। तो ये हो गया स्क्वायर। इस प्रकार अब फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक ना, जहाँ वाई का मान है वहाँ बस माइनस लगा लिया करेंगे, ठीक ना। तो इसमें भी सूत्र लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ लिखते हैं X + Y + Z के घात 2। तो लिखेंगे X²+Y²+Z²+2XY+2ZYZ+2ZX। अब इसमें हमको यक्स का मान कितना है, ये यक्स का मान ये रहा, ये पूरा वाई है और ये पूरा जेड है, ठीक ना। तो यहाँ रखते हैं, यक्स का मान रखेंगे 2X, वाई का मान -Y रखेंगे, जेड का मान जेड ही है, ये हो गया 2XY, ये रहा X, ये रहा Y, तो ये रहा X और ये रहा Y, ठीक ना। अब रखा YZ, तो लिखेंगे 2 गुणे Y का मान -Y और जेड का मान जेड, तो -Y और ये जेड प्लस 2ZX, 2Z कितना ये रहा और X ये रहा, Z इंटू 2X। ये फॉर्मूला इस पे मान रख लिया, अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, X का X²। अब देखिए माइनस को वर्ग, माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो ये रहा सिंपल Y², ये हो गया Z². इसको देखिए पहले गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और इस पूरे पद में एक माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसके कारण यहाँ एक माइनस रहेगा, 2 दूनी 4XY हो गया। इस प्रकार इसमें भी एक माइनस लगा हुआ है, एक माइनस, और अंक केवल 2 है तो 2 लिखेंगे और ये YZ हो गया। इसमें देखिए 2 दूनी 4 तो +4ZX, ठीक ना। तो इस प्रश्न का भी यही हल हो गया। थर्ड देखते हैं अब, तो थर्ड में लिखा है -2X + 3Y + 2Z का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए ये है, इसको हम पूरा यक्स मान लेंगे, ठीक ना। तो सूत्र लिख लेते हैं एक बार, हर प्रश्न के लिए सूत्र लिखा जाता है, तो जगह X + Y + Z का
होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक ना, अब हमको एक्स हमको पूरा ये माइनस रखना पड़ेगा ये पूरा, और ये वाई है और ये पूरा ये जेड है। तो यहाँ रखते हैं, अब देखिए एक्स का मान कितना है, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, वाई का मान थ्री वाई है तो थ्री वाई स्क्वायर हो गया, जेड का मान कितना है टू जेड, प्लस दो गुणे एक्स का मान ये रखा है, ये रख लेते हैं माइनस टू एक्स, वाई का मान थ्री वाई और टू वाई वाई जेड निकालना है, टू वाई का मान कितना है थ्री वाई है और जेड का मान टू जेड है, प्लस अब जेड एक्स लिखना है तो जेड टू गुणे जेड और ये एक्स, ये लिख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए माइनस का वर्ग प्लस दो का वर्ग चार, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, तीन का वर्ग नौ, वाई का वाई स्क्वायर, दो का चार, जेड का जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस पूरे पद में एक माइनस है तो माइनस लगा लिया, दो दूनी चार, चार तियाई बारह और एक्स वाई तो एक्स वाई लिख लिया, फिर दो तियाई छः, छः दूनी बारह वाई जेड। अब देखिए उसमें एक पद में माइनस है तो माइनस लगा लिया, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ जेड एक्स। तो इस प्रकार तीन भाग हो गए। अब इसके अगले भाग भी करते हैं, चौथा भाग देखते हैं। अब लिखा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब इस पर इसको मान फॉर्मूले पर रख देंगे, तो देखिए ये पूरा x है, ये y है और ये z है। ठीक ना, तो लिखेंगे x का स्क्वायर तो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2x और ये y प्लस 2yz, ये रहा y और ये z प्लस 2z और ये x। ठीक ना, अब इसको हल कर लेते हैं, तीन का वर्ग 9 a स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49 बी का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका करेंगे तो तीन दूनी छः, छः सत बयालीस माइनस 42 ए बी और एक दो माइनस है, यहाँ पर दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 और बी सी और इसका गुणा करेंगे तो तीन दूनी छः माइनस 6 सी ए। ठीक ना, तो ये प्रश्न का हल हो गया। पांचवा भाग देखते हैं, पांचवें में क्या लिखा है, माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टू एक्स, ये फाइव वाई माइनस थ्री जेड। ठीक ना, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स वाई टू वाई जेड और टू जेड एक्स, ये हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं, तो रखेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइव वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर प्लस दो गुणे एक्स वाई
माइनस टू एक्स गुणे पाँच वाई प्लस टू गुणे वाई का पाँच वाई गुणे माइनस थ्री जेड प्लस टू गुणे जेड का मान माइनस थ्री जेड और एक्स का मान माइनस टू एक्स, ठीक ना, मान रख लिया। अब इसको हल करते हैं। देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दो का चार और एक्स स्क्वायर, पाँच का पच्चीस वाई स्क्वायर, माइनस का प्लस, तीन का नौ जेड स्क्वायर। इसमें देखिए दो दूनी चार, चार पंचे बीस, एक माइनस है तो एक माइनस लगा लेंगे एक्स वाई, और इसमें पाँच दूनी दस तियाई तीस, माइनस तीस वाई जेड। इसमें दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तीन दूनी छः, छः दूनी बारह जेड एक्स, जेड एक्स लिखिए या एक्स जेड लिखिए सेम है। और एक अंतिम भाग छठवां देखते हैं, इसका लिखा एक बट्टे चार ए, एक बट्टे दो बी वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इसको पूरा एक्स वाई जेड ले लेते हैं। देखिए ये पूरा ये एक्स हो गया, ये पूरा ये वाई हो गया, ये पूरा जेड हो गया। तो सूत्र लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड और टू जेड एक्स, ठीक ना। इसी पर रख लेते हैं। अब एक्स का मान कितना है, एक बट्टे चार ए का होल स्क्वायर, ये है माइनस में तो माइनस एक बट्टे दो बी स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर प्लस दो गुणे एक बट्टे चार ए गुणे वाई कितना है, माइनस एक बट्टे दो बी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड, वाई कितना है माइनस एक बट्टे दो बी और जेड है वन, वाई जेड हो गया प्लस टू जेड कितना है वन गुड़े ये है एक बट्टे चार ए, ठीक ना। तो देखिए कितना आ जाएगा इसका उत्तर, एक बट्टे सोलह है ना, चार का वर्ग सोलह ए स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस एक का एक दो का चार बी स्क्वायर प्लस वन। देखिए ये दो कट जाएगा, एक माइनस है माइनस एक बट्टे चार ए बी, ये कट गया ये कट गया तो माइनस बी बच गया, ये कट गया दो एक कम दो दूनी चार तो ये आ गया एक बट्टे दो ए, ठीक ना। इस प्रकार प्रश्न नंबर चार के सभी भाग हो गए।